गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को हम स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिए डेस्कटॉप को आप देख पा रहे होंगे, यहां पे हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर पड़ा है। ठीक है, दे आर डिफरेंट कंपाइलर्स इन विच वी कैन ऑपरेट द सी लैंग्वेज। हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं जिनके अंदर हम सी के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो काफी पॉपुलर आपके पास जो है कंपाइलर है। इसके अलावा देव सी हो गया, कॉड ब्लॉक हो गया, इनके अंदर भी हम सी लैंग्वेज के हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक दो कमांड्स का, कुछ एक थोड़ा सा तरीका इनका अलग होता है, बाकी जो लॉजिक होता है सी का वही सब में ही सेम रहेगा। तो अभी जो हम यहाँ पे कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो कंपाइलर आपके पास आता है टर्बो सी प्लस प्लस। तो देखिए मैं इस कंपाइलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप नेट से भी टर्बो सी प्लस प्लस को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल में जाके आपने वहां पे टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस लिखना है फॉर विंडोज 7, 8, 10 के लिए। तो वहां पे आपके पास एक वेबसाइट जो है आपके पास ओपन हो जाएगी, तो वहां से आप जो है इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को। एक्चुअली ये सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, बट इसके अंदर आप सी के प्रोग्राम्स भी आप इजीली बना सकते हो। सबसे इजी है ये, मेमोरी के अंदर कम स्पेस लेता है। बाकी जो आपके पास कंपाइलर होते हैं देव सी, कोड ब्लॉक, ठीक है, वो थोड़े से आपके पास स्पेस ज्यादा लेते हैं। तो स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए सी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप जो है टर्बो सी प्लस प्लस का यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप सी को आप ओपन करोगे तो आपको ऐसे ब्लू कलर की जो स्क्रीन है यहाँ पे नजर आएगी, ऊपर ही आपको फाइल, एडिट, सर्च, रन कुछ इस तरीके के आपको मेन्यूज नजर आएंगे। इसमें ज्यादा माउस का काम नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको नया प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ से न्यू पे जा सकते हो। प्रोग्राम को ओपन करना हो तो आप F3 प्रेस करके आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। सेव करना हो तो अगर आप इसमें प्रोग्राम सेव करना चाहो तो सेव पे क्लिक करके कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस, अदरवाइज F2 प्रेस करके भी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो। अगर आपको सी से बाहर जाना है तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे क्विट, ऑल्ट प्लस एक्स आप प्रेस करोगे यहाँ से तो आप सी से बाहर जा सकते हो। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि प्रोग्राम सेव करना है तो F2, ओपन करना है तो F3। अगर हम इसमें जब प्रोग्राम बना लेंगे, आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना हो, कंपाइल का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को चेक करना कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, Alt F9 हम यूज करेंगे। और अगर स्टूडेंट आप प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हो तो रन के लिए जो शॉर्टकट की होती है आपके पास Ctrl+F9 होती है। ठीक है, आप F5 प्रेस करके भी स्क्रीन को छोटा या बड़ा आप कर सकते। तो इसमें हम सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है रन करवाते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोग्राम किस तरीके से हम इसमें रन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखेंगे, आपने मैं ये पूरा डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा ये क्या होता है, मैं जस्ट अभी आपके प्रोग्राम को रन करवा के दिखा देता हूँ ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लें इसमें हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये क्या होता है डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग। एक्सेलेशन, दिस इज द फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टूर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज GetCH। ठीक है, अब हम अभी ये देखिए यहाँ पे नो नेम 00 लिखा है कि अभी हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया। अब आप प्रोग्राम को सेव करोगे तो सेव कैसे करोगे, मैंने अभी आपको बताया F2 प्रेस करो, आप यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दे दो, जैसे आपने प्रोग्राम का नाम दे दिया 1, तो आप देखिए ये आपका 1 के नाम से जो प्रोग्राम है वो आपका क्या हो गया, सेव हो गया। कंपाइल करना है तो मैंने अभी देखिए आपको कंपाइल करना बताया Alt F9 से, तो आप यहाँ पे Alt के साथ F9 प्रेस कीजिए तो देखिए मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेस है। लाइंस कंपाइल्ड 463 जो लाइंस की पूरे जो आपके पास स्क्रीन बनी होती है, वार्निंग 0, एरर 0।
ठीक है। अब मुझे प्रोग्राम को रन करना है तो रन या तो माउस से क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ आप क्या कीजिए यहाँ पे F9। तो जैसे ही स्टूडेंट आप कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते हो तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा, हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंटरेस्टिंग टूर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो कंपाइलर है ट्रबल सी प्लस प्लस का ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और जैसे कि हमने इसमें सही कोडिंग की, इसे हम कोडिंग बोलते हैं, जो मैंने ये किया इसे हम कोडिंग बोलते हैं। और जब मैं इस कोडिंग को रन करवाता हूं तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट देखना स्टूडेंट आप ऑल्ट F5 प्रेस कर दो, अगर आप प्रीवियस आउटपुट को ही देखना चाहते हो तो जो है यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस F5। ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमने इसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, मैं यहीं पे आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से, कि सबसे पहले आप इस प्रोग्राम के अंदर कमेंट लगा दो। कमेंट देना कोई जरूरी नहीं होता स्टूडेंट, कमेंट जो है ऑप्शनल होता है, बट ये आपको प्रोग्राम के बारे में बताता है कि आपने क्या बनाया है। कमेंट जो आपने इसमें देना होता है ये आपने यहाँ से स्लैश और स्टार के बीच में देना होता है, कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा ए सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट द स्टेटमेंट। ठीक है, कमेंट जो है वो आप दो तरीकों से आप दे सकते हो इसके अंदर। कमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट आपके पास आता है सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड आता है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो यहां पे जो भी हमने कमेंट लिखा वो मल्टी लाइन कमेंट में लिखा। मल्टी लाइन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर आपने मान लो इसको ऐसे में अलग अलग लाइन के अंदर भी लिख देता हूं तो ये आपके पास मल्टीपल लाइन बन, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंगल लाइन के अंदर भी आप इसको डबल स्लैश डाल के भी कर सकते हो। जैसे मैंने स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये बताया मल्टी लाइन कमेंट देने का तरीका कैसे होता है, कि आपने कुछ इस तरीके से दे दिया, इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, बीच में हम ये भी जो है डिस्कस हम करते रहेंगे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। बट मैं यहाँ पे एक लाइन आपको बता दूं कि कमेंट आर ऑप्शनल, आप दो या ना। ठीक है, और जो सी लैंग्वेज है स्टूडेंट ये एक जो क्या कहते हैं बेसिक लैंग्वेज है। अगर आपको आज के समय में कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज सीखनी है तो आपको पहले यू हैव टू नॉलेज अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस की, कम से कम आपको सी और सी प्लस प्लस की कम से कम नॉलेज होना जरूरी। कमेंट्स आर ऑप्शनल, इट जस्ट डिस्क्राइब अबाउट प्रोग्राम, ये हमें प्रोग्राम के बारे में बताता है कि हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, साथ साथ आप सेव करते रहिए, कुछ भी अगर आप नया कर रहे हैं तो साथ साथ आप उसको सेव करते रहिए। ठीक है, कि सडनली अगर आप जो है डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे तो हम उसको चार्ज कर रखा होता है, डेस्कटॉप के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो सडनली लाइट चली जाए तो आपको उतना डाटा सेव है। ठीक है, ओके, फिर देखिए हमने दो हेडर फाइल्स यूज की है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, मैं अब आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होता है स्टूडेंट। हैश इंक्लूड, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हैश इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका काम क्या होता है, इट टेल्स द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताएगा, क्या बताएगा कंपाइलर को, कि दैट ए स्टेटमेंट हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देगा, इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर। ओके, और stdio.h का मतलब क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, stdio.h का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब हमने इसके अंदर ये हेडर फाइल क्यों यूज की, क्योंकि जो प्रिंट एफ फंक्शन होगा और जो स्कैन एफ फंक्शन होगा बोथ फंक्शंस आर इन stdio.h हेडर फाइल, ये दोनों फंक्शन आपके पास इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है conio.h, conio.h का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल हम किस लिए खोलते हैं, क्योंकि जो clscr फंक्शन होता है
एंड गेट सी एच फंक्शन होता है, बोथ फंक्शंस आर इन कोनियो डॉट एच हेडर फाइल। ओके, आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, ये फंक्शंस हम जो है प्रोग्राम के अंदर हमने इसमें यूज किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर हमने देखिए void यूज किया, जो ये व्हाइट कलर में आ रहा है। void इज ए डेटा टाइप, ये डेटा का टाइप है और कीवर्ड है। ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सारे इस स्क्रीन के अंदर आपको ये व्हाइट कलर में नजर आएंगे, ताकि आप कीवर्ड्स को आप इजिली पहचान सको। ये कंपाइलर इसलिए भी बेटर है क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो फंक्शन है उनका कलर अलग होता है, कीवर्ड्स का कलर अलग होता है, जो स्टेटमेंट हम ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट करते हैं उनका स्टेटमेंट अलग होता है, कलर अलग होता है। तो void इज ए डेटा टाइप और कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होते हैं स्टूडेंट, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज 32 कीवर्ड, सी लैंग्वेज में ऐसे 32 कीवर्ड्स होते हैं स्टूडेंट का। ओके, व्हाट इज ए मेन, मेन इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विद मेन फंक्शन, सी में कोई भी प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से आपके पास क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्लियर, मेन फंक्शन के बाद स्टूडेंट हमने ये देखिए ये ब्रेसेस भी हमने यूज किए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। आप प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं जहां से हमने देखिए क्या किया था, यहां से देखिए हमने इसको प्रोग्राम का जो ब्लॉक है हमने स्टार्ट किया। तो ये आपके पास ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो गया, ये आपके पास क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हो गया। कमेंट आप जो है आगे भी दे सकते हो। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब प्रोग्राम को देखो, अभी मैं जैसे CLSCR को स्टूडेंट कमेंट बना देता हूं, मतलब जिस चीज को आपने कमेंट बना दिया ना वो चीज चलेगी नहीं। तो जैसे अगर मैंने इसका मतलब ये मैंने CLSCR जो है वो नहीं चलाया, तो अब देखिए प्रोग्राम को कैसे होगा, मैं रन करवाऊंगा तो देखो प्रीवियस आउटपुट भी आपको साथ साथ शो कर रहा है, बट हमें करंट जो है हमें आउटपुट देखनी है। तो क्या हम काम करेंगे, यहां से इसको हटा दें। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए मेन क्या कि हमने कोई सेमीकोलन यूज नहीं किया, बट जो हमने सीएससी के बाद हमने सेमीकोलन यूज किया है, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि एवरी स्टेटमेंट विल बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन एक्सेप्ट सेमीकोलन एज द कंपाइलर, कंपाइलर को बताता है कि दैट इज स्टेटमेंट, जो आपकी स्टेटमेंट है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है प्रिंटएफ फंक्शन, और प्रिंटएफ फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में आप अंदर इन्वर्टेड कॉमास में आप जो मर्जी लिखो नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड कलर में शो कर रहा है। फिर हमने देखिए सेकंड लाइन में यहाँ पे क्या किया, बैकस्लैश एन का मैंने यहाँ पे यूज किया, आप देख पा रहे होंगे बैकस्लैश एन। तो इसका पर्पस क्या होता है बैकस्लैश एन का, आपके पास ये बैकस्लैश एन हम किस लिए यूज करते हैं, इज इट न्यू लाइन कैरेक्टर कम्स अंडर एस्केप सीक्वेंस, ये एस्केप सीक्वेंस के अंदर आपके पास आएगा। तो आप जैसे देखिए आप प्रोग्राम को जब रन करवाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कुछ भी आप ये जो दिस इज द फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टूर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली लाइन है, ये न्यू लाइन पे आपके पास देखो नजर आ रही है। अगर मैं बैकस्लैश एन नहीं लगाता तो ये एक ही लाइन में सारा आपको नजर आता। बैकस्लैश एन को स्टूडेंट आप क्या कहते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट लाइन के लास्ट में भी आप लगा सकते हो, दोनों का मतलब आपके पास एक ही है। ठीक है,
ठीक है, गेट सी एच हमने यूज किया स्टूडेंट, गेट सी एच हमने क्यों यूज किया, अगर हम मान लो गेट सी एच को मैं कमेंट बना लेता हूँ तो देखो क्या होगा, कंट्रोल एफ एन जैसे मैं प्रेस करता हूँ, देखिए वो आपका जो है आउटपुट वाली स्क्रीन के ऊपर नहीं जाता, आपको आउटपुट देखने के लिए अलग से ऑल्ट एफ फाइव प्रेस करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट सी एच को यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं गेट सी एच को यूज करता हूँ तो कंट्रोल एफ नाइन देखो आपको यहाँ पे वो यहाँ पे दो मिनट के लिए वो यहाँ पे क्या होता है रुकता है, आपकी वेट करता है, जब आप एंटर प्रेस करते हो तब वो आपका ब्लू स्क्रीन के ऊपर वापस आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, और जितना भी मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन ये सारा लिखा है ये मैंने आपको सब कमेंट्स के माध्यम से मैंने आपको सारा का सारा समझाया। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा, ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको सी लैंग्वेज को समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसको दो तीन बार आप देखिए तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, अगर आपने इसको आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।